जांगुर ग्राउंड्स में आए हैं और हमारे गुरुजी हितेश गुरुजी ने यहाँ पे हवन करवाया है। तो माता रानी के इन 9 दिनों में जितना हम पुण्य कमा सके उतना कमाने की ये एक पहल है। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी पॉजिटिविटी होती है, वो उभर के तब आती है जब हम उनको सही दिशा में अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए सोचते हैं। और मुझे लगता है जब एक इंसान सोचता है तो उसको एक गुरु की जरूरत तो हमेशा होती है, जिसके ऊपर आप अपने सब प्रॉब्लम्स दे सको और आप निश्चिंत हो जाओ कि हाँ गुरुजी है, देख लेंगे। सो जय गुरुदेव, आई एम हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर विद गुरुजी। सो सिलसिला जारी रहेगा। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से, गुरुजी तुम्हारी फैमिली की तरह ही है और इतने सालों से एक एडवाइजर के तौर पर हमारी जिंदगी कर रहे हैं और बच्चों से लेकर हमारा वो ऑलवेज भला ही समझते हैं। सो फॉर अस इज मोर लाइक ए मेंटोर फ्रेंड। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इट्स ऑलवेज नाइस। और एक आधा मैसेज ही काफी होता है गुरुजी के यहाँ पे आने के लिए। और मुझे लगता है कि गुरुजी की नॉलेज भी बहुत ज्यादा बड़ी है, उसकी वजह से वी शुड ऑल अब्सॉर्ब एंड देन मूव। और आपको कैसा लगा हवन आज? बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और आज अष्टमी का दिन है। हमारे घर में पूजा थी और एक हवन में एक अपनी एनर्जी होती है, मंत्रों में एक अपनी एनर्जी होती है जो अगर आप एब्जॉर्व करें और एक सही दिन पे आप एब्जॉर्व करें, जैसे आज अच्छा दिन है, तो उस दिन आपको अंदर से आपकी बॉडी में जो शक्ति महसूस होती है वो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की तरह है। और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आज के दिन गुरु जी ने हमें बुलाया और हमारे को मेक इट पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एवर्षो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो मेरी गुरु है। बॉम्बे में आने के बाद मैंने उनको गुरु माना है और आज गुरुजी ने इतना बड़ा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले गुरुजी क्या करते थे नवरात्रि में हवन वगैरह या एक अष्टमी के दिन एक महायज्ञ करते थे, बट वहाँ से अभी इवॉल्व होते होते यहाँ तक एवर शो तक आना इट्स अ बिग जर्नी। तो आई एम अ पार्ट ऑफ विद्या टीम फॉर वेरी लॉन्ग एंड आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। तो मुझे मिला है कि एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आई एम अ परफॉर्मर, तो उस बेसिस पे ही दिया गया। इसके अलावा तो अभी जैसे कि मैंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज के पार्ट रह चुकी हूँ, राधा कृष्णा लाइक हम लोग 4.5 साल हमारा शो चल रहा था और जय कन्हैया लाल की, यशोमती मैया के नंदलाला, ऐसे बहुत सारे शो मैं हर एक चैनल के लिए माइथोलॉजिकल शोज ही ज़्यादा कर रही थी। अभी मैं थोड़ा उससे अलग कर रही हूँ पांड्या स्टोर स्टार प्लस के लिए, जो बहुत अच्छा शो चल रहा है, बट वो सोशल शो है तो मुझे एक ब्रेक मिला है माइथोलॉजिकल शो से। सर बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में ये नहीं, लेकिन जितना भी मैंने देखा दैट इज़ गुड। और जो भी ये लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपनी वुमेन पावर्स के लिए, दैट इज़ गुड एंड आके अच्छा फील हुआ एंड मे बी इसी तरह से लोगों के लिए करते रहें। थैंक यू सो मच, इट्स नाइस। ऐसा है ये अपने तो हर कोई आदमी करता है, खाना हम खाते हैं, अपने सब काम करते हैं, तो ये लोग दूसरों के लिए करें जिनसे जानते भी नहीं, तो ये अच्छा सोशल कॉज है। और मेरे ख्याल से सर सब लोगों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे आना चाहिए और मिलके कुछ अच्छा बड़ा करना चाहिए। और गुरु जी हितेश गुरु जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी और अच्छा और बड़ा करते रहें। हितेश गुरु जी हमारी संस्था से जुड़े हुए राजनीति की पाठशाला से, हितेश का जो शुरू से ही रहा है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना, इसलिए मुझे आज इन्होंने इनवाइट किया, तो मैं हितेश जी का थैंक्सफुल हूँ। और ये शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं, जिस तरीके से ये काम आगे बढ़ रहे हैं हम पूरी सपोर्ट इनको देने के लिए तैयार। ये एक अच्छा कार्य है और जो गुरु जी कर रहे हैं और जागृति ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ये अच्छा है। और ये कार्यक्रम के वजह से एकता बढ़ेगी और एकता को बढ़ावा देने वाला प्रयास मुझे लग रहा है। और हमारे में भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष है उसकी महिमा और उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है और वही उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और रुद्राक्ष स्वयं पेड़ से रुद्राक्ष ही होता है,
ये उसकी सत्यता है और उसको और प्रदर्शित कर रहे हैं और लोगों को जता रहे हैं। ये पहले तो सुबह से यज्ञ चला है, हवन चला है, आज अष्टमी का दिन है, माता जी का दिन है, मैं भी माता जी को नमन करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो सम्मान करने का कार्यक्रम किया, और मैं कह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ इनका गुरु जी का विशेष प्रयास है कि एकता हो और रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ का हर साल इतना अच्छा होता है, माँ की सेवा, माँ का हवन, और ये हितेश गुरु जी इतने सबकी जीवन बनाते हैं कि कुछ भी अटकी हुई चीज़ें भी सबकी हो जाती है, और ये एक मन को शांति भी देता है। मेरा नाम टैरो क्वीन मीनू शर्मा, मैं दिल्ली से आई हूँ और अभी अभी बॉम्बे भी शिफ्ट हुआ है, एंड मेरे को विद्या गौरव अवार्ड में बुलाया गया है। हितेश गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, उनकी ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ पे आई हूँ, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, हितेश जी का इंटेंशन, उनका नॉलेज, वाइब्रेशन जो देते हैं, मंत्र देते हैं, सबको सबका भलाई इच्छते हैं। आज के ज़माने में बहुत कम ऐसा लोग हैं कि जो सभी का भला इच्छते हैं, और सोशल वर्क करते हैं, 5-5 गांव इधर अडॉप्ट किए हैं, वो भी मुंबई के बाहर, वेरी क्रेडिटेबल। आई थिंक वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हितेश जी एंड द फुल विद्या ऑर्गेनाइजेशन एंड द फुल टीम इज आल्सो वेरी मच डेडिकेटेड। आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो इतने बड़े नाम शाम नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। Everybody should notice this organization and contribute to the organization. Very happy, very happy to be part of this. नमस्कार, मैं मीता जानी, founder Miral Foundation, अहमदाबाद, गुजरात से। मैं यहाँ specially as a chief guest in Dr. Hitesh Guruji, गुरुदेव से invite, गुरुदेव ने मुझे invite किया था यहाँ पे specially विद्या गौरव awards के लिए। आज अष्टमी का दिन है, और गुरुजी ने जो हवन और वो सब किया है उसका लाभ हमें आज बहुत अच्छे से मिला है, और अभी विद्या गौरव अवार्ड्स का भी पार्ट बनने के लिए इट इज़ वेरी वेरी ऑनर टू अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हितेश गुरुजी फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का जो यहाँ आए हैं, मीडिया का और सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे ट्रस्टी, जिनकी वजह से ये संभव हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। माँ का आशीर्वाद है इसलिए ये संभव हुआ है, और माँ के आशीर्वाद से ही ये आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। मेहनत ये लग रहा है कि ये कुछ दिनों की मेहनत से ये अवार्ड हुआ है, पर ये कुछ दिनों की मेहनत का अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड जो है ये पूरे साल, और साथ साथ में कोविड में जिन जिन लोगों ने हमारे साथ मेहनत की है, संदीप मनियार जी, सोहन मेहता जी जो 28 लाख रुपए लेकर आए और उसका हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया स्लम्स खाली करवा के, लोगों को स्कूल की फीस भरी बच्चों की, स्मार्टफोन्स दिए, अनाज, पका हुआ खाना, राशन, और सब लोगों को जो हमने मदद की है उसका ये परिणाम है। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 साल की मेहनत के बाद ये अवार्ड हुआ है, क्योंकि इसको बनाने में तो बहुत कम मेहनत लगी, लेकिन जिन लोगों ने संभव किया ये काम उसके लिए उनका बहुत दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हमारी संस्था जो है वो मुंबई में, कलकत्ता में, और US और कनाडा में कार्यरत है। कनाडा में सतीश भरद्वाज जी वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ साथ में USA में बबीता पटेल जी, वो नेपाल इत्यादि जगहों पे लोगों को फ्री फोटोग्राफी वगैरह सिखाते हैं। USA में, कनाडा में जो हमारे लोग तकलीफ़ में हो या जो वहाँ के भी लोग तकलीफ़ में हो उनकी सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी वो सेवा देते हैं। और साथ साथ में कलकत्ता में हम स्कूल चलाते हैं, लवलॉक बस्ती हमने अडॉप्ट की है, दत्तक ली है, वहाँ पे सारे कार्य हम करते हैं, और साथ साथ में
यहाँ पे पांच गांव की स्कूल, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, लोगों के लिए काम, जो आदिवासी लोग आपको रास्ते में दिखते हैं, बलून्स वगैरह बेचते हैं, उनके लिए काम वगैरह की योजना हमने शुरू कर दी है और काफ़ी लोगों की हम मदद कर पाए हैं, हज़ारों लोगों तक हम पहुँच पाए हैं। जय गुरुदेव, जय माँ। सो वेल, आई एम डॉक्टर जिग्ना देसाई। मैं भी एक स्पिरिचुअल कोच हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मेरे गुरुदेव की डिसाइपल हूँ, जो कि मेरे गुरुदेव है डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी, जो जिन्होंने आज 22 अक्टूबर के दिन यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन किया, अष्टमी के दिन, और साथ साथ इतना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम रखा, विधि और गौरव अवार्ड्स, जहाँ पर हम लोगों ने कितने लोगों को बुलाया था, स्पेशल चीफ गेस्ट आए थे, कहाँ कहाँ से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, मीता जानी जी अहमदाबाद से आए थे, VIP गेस्ट आए थे, काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आके गए हुए हैं, उनके हम मीडिया वाइस नहीं ले पाए बिकॉज वो हवन के दौरान आके चले गए, बट हम श्योर उनको डालेंगे यहाँ पे। तो इट वाज रियली अ बिग डे फॉर मी एंड फॉर होल विद्या टीम। पूरी विद्या टीम के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं विद्या के ग्रुप में, सारे लोगों ने, मेरे मेंटर्स, सीनियर मेंटर्स, सभी ने इतना सपोर्ट किया, और गुरुदेव एंड माँ के ब्लेसिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और हमारे गुरुजी, शंभू गुरुजी है, सरिता जी है, राधिका जी है, पीयूष जी है, स्वीटी जी है, सारे लोग टीम ने मिलके ये, हमने सभी ने मिलके ये कार्यक्रम किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऐसे ही हम आगे और भी सफल प्रोग्राम्स करते रहेंगे, महायज्ञ करते रहेंगे, और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आप आगे भी और भी कार्यक्रम करने वाले हैं, तो कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन क्या क्या कार्यक्रम आगे लाएगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे जो गुरुदेव है उनका जो सपना है, तो हम कहते हैं ना माँ के बिना कुछ भी नहीं है, तो उनका एक सपना है हमें महाराष्ट्र में वहाँ पर एक, जहाँ पर स्वयंभू माता जी का, हम जो कहते हैं ना स्वयंभू मिला है, तो वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करने का हम सोच रहे हैं, रादर हमने काम स्टार्ट भी वहाँ पे कर दिया। तो मैं सभी लोगों से यही विनंती करना चाहूँगी कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, आगे बढ़िए और हमें सपोर्ट कीजिए ये एक जर्नी के लिए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।